किले पर तो बहुत तो दोस्तों इस वक्त हम जो है शाह रुकनिया आलम का जो मज़ार मुबारक है यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये पार्किंग एरिया है इसका। पहले तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चार्जेस लिया करते थे बाइक के, तकरीबन 20 रुपीज़ लेते थे, लेकिन अब महकमा औकाफ की तरफ से एक बहुत ही अच्छा काम कर दिया गया है कि पार्किंग फ्री है। ये एंट्री गेट है जो चौक घंटाघर की तरफ से आएँ तो आपको दिखने को मिलेगा। और ये है मेरा प्यारा सा बेटा मोहम्मद अब्दुल्ला। ये किला दरअसल मुल्तान से काफ़ी ऊंचाई पर वाक़ है। ये शाह रुकने आलम का दरबार शरीफ है और इसी तरह से अगर आप सीधे चलते जाएं तो सबसे पहले जो एंट्री आपको मिलेगी वो इसी दरबार में मिलेगी, यानी कि ये दरबार जो है सबसे पहले आपको दिखने को मिलेगा अगर आप चौक घंटाघर की तरफ से आ रहे हैं। ये मैं इसलिए बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसको और रास्ता भी है जो पीछे की तरफ से आ रहा है। दोपहर का टाइम है तो इसलिए अभी इतना रश नहीं है। एंटर होते ही यहाँ पर आपको जगह मिलेगी जहाँ आप अपने जूते उतार कर रख सकते हैं। पहले तो यहाँ भी पैसे लगते थे लेकिन अब फ्री है। ये दरअसल एक टिकटॉक स्टार जो कि एक पठान है जो अलग ही स्टाइल से चल रहा होता है, अक्सर लोगों के साथ वीडियो बनाता है, वो आया हुआ है। मुझे उसके नेम का कुछ ज़्यादा पता नहीं। देखिए कितना ही खूबसूरत ये अंदर से बना हुआ है, क्या ही खूबसूरत सीन है। बेशक बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है लेकिन अंदर ठंड का एहसास अभी तक बाकी है। हाँ जी, अब्दुल्ला कहाँ आ रहे हैं? अब्दुल्ला आप कहाँ जा रहे हो? हैं आप किधर आए हुए हो? आप मुल्तान आए हो घूमने के लिए? अच्छा, वाह, चलो अब भागो। चलो हाँ हाँ, इधर देखो, सामने देखो, सामने देखो, सामने। Yeah.
दरबार के बाहर आपको इस तरह की शॉप्स आसानी से मिल जाएंगी, जहां पर आपको यहां से दरबार के मुतल्लिक चीज़ें भी मिलेंगी, जैसे कि जूतियां और ज्वेलरी वगैरह भी। काफ़ी ज़्यादा रश होता है ऐसी जगहों पर। अब हम इसी जगह पर मौजूद दूसरा दरबार जो कि शाह रुकने आलम के दादा जान का है, उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। अब्दुल्ला रुक जा यार, कहाँ भाग के जा रहे हो, साथ साथ चलो बेटे। अल्लाह का एहसान देखें कि अब बादल आ चुके हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो घूमने फिरने का अब और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। यही नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों का हजूम भी बढ़ रहा है, लोग आहिस्ता आहिस्ता अब घरों से निकल रहे हैं। ये हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं जी, दूसरे दरबार पे, और यहाँ पे भी रश काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं है। ये कुआं है जिसे विशिंग वेल भी कहा जाता है, और इसमें लोग जो है मन्नत मांगते हैं और इसमें पैसे फेंकते हैं, जैसा कि आप देख भी रहे होंगे अंदर काफ़ी ज़्यादा पैसे पड़े हुए हैं। क्या करना है जी? अच्छा, इस पे लगा। दोस्तों क्या ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पर दरबार में आते ही। ये देखिए यहाँ पे कवाल बैठे हुए हैं और बहुत मज़े की आवाज़। दरबार में एंटर हो चुके हैं हम, और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्लॉगिंग करने वाले लोग जो हैं और फोटोग्राफर जो हैं वो आए हुए हैं और तस्वीरें वगैरह बना रहे हैं, हालांकि यहाँ पर कैमरा ममनू है। माशाल्लाह बहुत खुश है इस वक्त बाहर आके, क्या मज़े कर रहा है ये तो। ओ, पांव जल रहे होंगे, गर्म है, गर्म है, हैं अब्दुल्ला, गर्म है। ओ, कितना गर्म है। हा, 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 हा। ओए, 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 कहाँ जा रहा है बुबला? चलो इधर ही, बस इधर ही, इधर बैठ के बनाओ वीडियो, चलो बना दो, शाबाश, चलो बनाओ आप वीडियो बनाओ, तस्वीर बनाओ, शाबाश, बनाओ बनाओ, वेरी गुड, चलो बस करो, बस करो अब, चलो बस करो अब। अब्दुल्ला को तो इसी उम्र में इतना ज़्यादा शौक है व्लॉगिंग करने का, कमाल है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी, अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और साथ रहिएगा, अभी बहुत कुछ बाकी है मुल्तान में आपको दिखाने के लिए।